नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 35 दिनों से किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की वजह से दिसंबर तिमाही में करीब 70,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। यह अनुमान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से लगाया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की वजह से इस नुकसान का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल सकता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि आंदोलन की वजह से ऑटोमोबाइल, कृषि मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे क्षेत्रों का भी काफी नुकसान हुआ है। खासकर उन क्षेत्रों को ज्यादा नुकसान हुआ है जहां कच्चे माल की आपूर्ति होती है। संजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार और किसानों के बीच पराली जलाने को लेकर जुर्माना और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर सहमति बन गई है, जो काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि चैम्बर जल्द ही मसलों के समाधान की उम्मीद कर रहा है। बता दें कि 30 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक में कुल 4 मांगों में से 2 मांगें मान ली गई थी, जबकि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। गौरतलब है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। बीते 30 दिसंबर को हुई मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि हमने 4 में से 2 मांगे मान ली है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी के मसले पर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।